udarlayayım ya. Yani. Evet. बोले मत बोले मत अपनी बातें है उनको मत बोल जाओ ऐसा आगे आया भी कितने गलत हो गए आपसे वो है एनर्जी ड्रिंक होना लेना पड़ता अपने को
अब इंटरव्यू बना रहे ना अपन, तो एक टाइम ले रहा वीडियो में सोचा ना डाले मेरा मोबाइल दे। हेलो था, वो तुम्हारी है क्या? राजू भाई देश को बचाना है, बलिदान के सम्मान में हम उसे मैदान में, बलिदान के सम्मान में हम उसे मैदान में। अरे मैं छाव ले रहा कैमरा पकड़ इंसानियत। सबसे पहला ये है कि अगर गलत होता हुआ दिख रहा हाथ से रुको। इंसानियत का पहला दर्जा क्या है? लेंस निकाल, लेंस निकाल, हाथ से रुको। हाथ से भी रोक सकते हैं। हाँ, लेंस बदल ले, बयान चालू। मैं आपको एक बात कहता हूँ कि देश का संविधान खतरे में है, इसका मतलब देश खतरे में है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जस्टिस रंजन गोगोई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कहा है कि देश का संविधान खतरे में। और आज जब आपने ऐसा सिंहासन ले लिया, आप एक के बाद एक ऐसे फैसले ले रहे हैं कि आप आपके फैसले को देखकर पहले ये महसूस हो रहा है कि देश के आप दुश्मन है या देश के दोस्त का ये भी समझ में नहीं आता, लेकिन आपके फैसले से यह साबित हो जाता है कि आप देश के दुश्मन थे। देश को तोड़ना चाहते हैं, देश को हम हिंदुस्तान अगर कहते तो हम खुद कह रहे कि ये देश हिंदुस्तान है, हिंदुओं का देश है, मुस्लिमों का, आदिवासियों का, बौद्धों का नहीं, ये सर्व धर्म निरपेक्ष देश है और इस देश का नाम भारत अर्थात इंडिया। कभी भी आप जो भले करेंगे लफ लेंगे तो इस देश का नाम भारत क्या हो, और हम ही क्या करते फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान हम ही पैदा कर रहे, कोई जरूरत नहीं। इस देश का नाम भारत है, हम इस देश के निवासी हैं और इस देश पर हमारा पूरा पूरा हक है, इस देश के संपत्ति पर हमारा पूरा पूरा हक है, इस देश
के संपत्ति पर हमारा पूरा पूरा आघात है। इस देश के संपत्ति पर कोई विजय माल्या या मेहुल चौकसी या रतन पारेख, ये जो है इनकी लिस्ट देखा करो, इनका हक नहीं, हमारे प्रॉपर्टी को साले बेच रहे हैं। तो अभी देखो ये आजाद देश में हमारी गुलामों की लड़ाई चल रही है, आजाद देश में हमारी, हम गुलाम लोग, हमारी लड़ाई चल रही है। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान अगर होगा तो एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी, हमारे हिंदू समाज के लोगों का हिंदू हिंदू करके इनका मेंदू खराब कर डालते हैं। तो इसका मेंदू भी दुरुस्त करने के लिए तो हमारी पहले जिम्मेदारी है, हमारे देश के अंदर में जो भी समाज के अंदर में या धर्म के अंदर में दंगा फसाद करने का प्रयास करेगा, जिसके लिए हमें, हमको भाईचारा बढ़ाना है। हम सब लोग भाईचारे से रहेंगे, क्योंकि जो बाहर से आए हुए ये लोग है, इनका ये देश नहीं, ये देश हमारा है। जाके देखो इंडिया गेट पे, इंडिया गेट पर 70% जिन लोगों ने शहीद हो गए, कितने 70% जो लोग शहीद हो गए उसमें सब मुसलमान थे। आजादी के समय कहां गए थे? अब क्या है, हिंदू मुसलमान करके आपने तो वोट ले लिया, लेकिन बच्चे की माँ कब तक दुआ मांगेंगी? कभी ना कभी आप ये समाज समझ लेगा, क्योंकि हम क्या है साथियों मालूम है क्या, हम तो इतने बड़े माहौल में है, लेकिन हम जो गलती करते हैं, गलत सरकार पैदा करने की ताकत बाबा साहब आंबेडकर ने हम लोगों को दी है, सरकार पैदा करने की ताकत बाबा साहब आंबेडकर ने हमको दी है, लेकिन उसका सही इस्तेमाल हमने नहीं किया। और एक ख्याल में रखो, एक मैंने जो बोला, अब हमारे जो वक्ता है वो वक्ता बोलेंगे, बात करेंगे कि भाई ये सीएए क्या है, झूठ नहीं बोलता मैं। सबसे ज्यादा अगर नुकसान होगा मुसलमानों से ज्यादा ओबीसी को ज्यादा नुकसान होगा इसका, और एसटी की तो बात ही नहीं। मुल्क के सरकार को इस बिल को वापस लेना आखिर में जरूरी हो जाएगा, ऐसा जुनून आज इस मुल्क में पैदा हुआ है। मेरे भाइयों, मैं हमेशा सोचता था, तस्वुर था मेरा कि इस मुल्क का मुसलमान कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म पे आए, अपने अपने तरीके से उलेमा कराम और दिगर लोग उस कोशिशों में थे, मगर उसमें कभी कामयाबी नहीं मिली। लेकिन अल्लाह का करम है, आज सब लोग फिरका भूल कर एक प्लेटफॉर्म पे आए हैं, इसका मतलब ही कुछ ना कुछ ऐसा मुसलमानों के हाथ से होने वाला है इस मुल्क में, जो एक तारीख कायम करेगा।